अक्सर सोचता हूँ कि मुझे क्यों उससे मोहब्बत हुई, क्यों वो मेरी ज़िंदगी में ना भी आती तो क्या था, ना मैं उससे मिलता, ना वो मुझे मिलती, ना मुझे उससे मोहब्बत होती। अक्सर आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछता हूँ कि उससे मोहब्बत करके तुम्हें क्या मिला, क्या कुछ पाया उसकी मोहब्बत के बदले। फिर खुद ही जवाब देता हूँ कि जिस मोहब्बत में अगले शख्स से कुछ पाने की उम्मीद हो तो फिर वो मोहब्बत तो नहीं थी, वो तो एक सौदा था, और वो भी घाटे का सौदा। अच्छा हुआ उसने वक्त रहते मुझे बता दिया कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, कम से कम कोई फाल्स होप तो नहीं दिलाई थी उसने मुझे। हाँ लेकिन बहुत दुख में हूँ उससे मोहब्बत करके, किस कदर अजियत होती इंसान को, आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि ये जानते हुए भी कि वो मेरी नहीं हो सकती, मैं फिर भी उसे ही चाह रहा हूँ। सच कहूँ तो किसी कांटे भरे बिस्तर पर बैठने के जैसा है उसे मोहब्बत करना, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ, उसे मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं है। लाख समझा लो अपने इस दिल को कि वो अब कहीं नहीं है मेरी ज़िंदगी में, उसे अब मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन दिल ये कह ही देता कि तेरी ज़िंदगी में तो नहीं, लेकिन तेरी ज़िंदगी तो उसी के होने से है ना। आज उससे बिछड़े सालों हो गए हैं, लेकिन मेरा ये ज़ख़म और गहरा हो गया, मेरी मोहब्बत उसके लिए और गहरी हो गई है, पर कभी बददुआ नहीं दे सका मैं उसे। मैंने कई दफ़ा उसे नफ़रत करने की कोशिश की, उसकी यादों से दूर भागने की, लेकिन मैं चाहते हुए भी ऐसा कर नहीं सका। मैं उसे नफ़रत कर नहीं पाया और ना कभी उसे नफ़रत कर पाऊँगा। हाँ माफ़ कर दिया मैंने उसे, जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, उसके साथ कभी ऐसा ना हो, वो खुश रहे, मेरी वजह से खुदा उसे कोई सजा ना दे।